आगामी 22 जनवरी को होने वाले श्रीराम मूर्ति प्रतिस्थापना के आमंत्रण को चारों शंकराचार्यों द्वारा ठुकराया गया है, जिसके चलते देश की सियासत में प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसी श्रृंखला में वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा कि यह शंकराचार्य का निजी मत है, आप उनसे ही पूछे। साथ ही साथ कांग्रेस देश के मुख्य प्रवाह से दूर जा रहे हैं और आज कांग्रेस देश के सामने बड़ा खतरा है, ये भी बात उन्होंने इस वक्त कही। देखो, ऐसा है, इसमें मैं कोई भाष्य नहीं करूंगा, वो शंकराचार्य है। अब देश में कांग्रेस ने भी इसको नकारा। अब ऐसा है, वो उनकी सोच है, वो तो कहते थे कि रामायण ये दंत कथा है, रामायण ये काल्पनिक कथा है, अपने अपनी सोच से वो करते हैं। अब शंकराचार्य ने क्यों ठुकराया, ये तो आप उनसे पूछ सकते हो। मैं तो अच्छे तरीके से देखता हूँ, वो नहीं जाएंगे तो वो खुद ही होके ये कह रहे कि हम प्रभु राम के इस देश की आस्था को हम नहीं मानते, तो मैं तो बुरी नज़र से, भगवान अच्छा करवाता है ये मैं समझता हूँ, भगवान ये अच्छा करवा रहा है, उनको ऐसी बुद्धि देकर वो देश के प्रमुख प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं, तो बुरा क्या है इसमें, ये आवश्यक है। कांग्रेस ने ऐसी गलतियाँ करते हुए जो कुछ बची कुची बातें हैं वो, क्योंकि कांग्रेस ये अभी बहुत बड़ा देश के सामने धोखा है। आप देखो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं पत्रकार परिषद में, आप कौन से जात के हो, आप कौन से शोभा देता है क्या, तो बताइए भैया, आपने आपके यहाँ जितने लोग साथ में हैं कौन कौन से जात का है। ऐसी अरे हम इतने राजनीति में इतने छोटी बातें करने लगे, देश को एक रखने के लिए इतने बड़े स्तर के नेता ने जातियों के आधार की राजनीति करनी शुरू कर दी, बड़े आश्चर्य की बात है। माननीय मोदी जी ओबीसी है, मैंने कभी नहीं सुना उनके मुंह से, और मैं समझता हूँ कि उनको ये पसंद भी नहीं आएगा जात की राजनीति। अरे हम विकास की राजनीति करें, हम प्रगति की राजनीति करें, देश के गौरव की राजनीति करें, देश के युवाओं को दिशा देने की राजनीति करें, ना कि हम विचारों का प्रदूषण निर्माण करने की राजनीति। देखो ऐसा है, आपको किसी ने रोका, आप भी तो बढ़िया दिल्ली में बैठ के बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है रामधुन का, पर आपको डर है कि हम अगर श्री राम जय राम कहेंगे, हम रघुपति राघव राजा राम कहेंगे, तो तुष्टीकरण का क्या होगा भैया, वो वोट हमसे दूर चले जाएंगे ना, आपको रोका है क्या। महात्मा गांधी जी ने भी तो हे राम कहा, तब तो उनके महात्मा गांधी जी के समाधि पर भी हे राम लिखा हुआ है, तो राम तो इस देश की आस्था रही है, आपको रोका है क्या। आप कहो कांग्रेस की ओर से कि पूरे देश में 23 तारीख को हम भजन करेंगे, रोका है क्या, किसी ने नहीं रोका। सब जन नागपुर में आएंगे और नागपुर में भजन करेंगे, कोई रोका है क्या आपको, बताओ किसी ने परमिशन नहीं दी। तो मैं देवेंद्र जी से बात करूंगा, इनको परमिशन दो, घर पुलिस एसपी को भेज के परमिशन देंगे, करना कुछ नहीं है, बस फ्री में बातें करना है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है, मतों की राजनीति करना है, खुर्ची की राजनीति करना है, विकास के बारे में कभी बात नहीं होती। क्या किया स्वाधीनता के बाद, एक एम्स बनाया, अभी 22 एम्स है, कभी तो बताइए ना, वो नहीं बताना राम भगवान राम के नाम से इवेंट हो रहा ऐसा बोल के कुछ धर्मों को खुश करना और बिना काम के वोट पाना, ये कांग्रेस की राजनीति है।